18.3 ऊर्जा रूपांतरण। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई निर्जीव वस्तु कार्य करती है तब वह निश्चित ही गतिशील होती है। स्थिर हवा, स्थिर पानी या स्थिर पत्थर में किसी चीज को हिलाने, बहाने या तोड़ने की क्षमता नहीं होती है। हवा का तेज झोंका पेड़ों को गिरा सकता है, बहता पानी जहाज को आगे ढकेल सकता है और गुलेल द्वारा फेंका हुआ भारी पत्थर दीवार से टकराकर उसमें गड्ढा कर सकता है। क्योंकि गतिशील चीजें कार्य कर सकती हैं, इसलिए गतिशील पदार्थ में निश्चित ही कोई ऊर्जा होगी। इसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। गतिज ऊर्जा के बारे में आप कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। यदि भारी और हल्की वस्तु एक समान गति से जा रही हो तो भारी वस्तु में हल्की वस्तु की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। हल्के से हथौड़ी कील पर मारने पर कील दीवार में थोड़ी ही अंदर जाएगी, जबकि भारी हथौड़ी जोर से मारने पर कील दीवार में पूरी तरह अंदर घुस सकती है। लेकिन क्या कभी कोई स्थिर वस्तु भी कार्य कर सकती है? एक पत्थर की कल्पना करें जो पहाड़ी के सिरे पर स्थित है। हवा का एक तेज झोंका उसे हिला सकता है। वह जैसे जैसे ढलान पर नीचे लुढ़कता है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। गिरती हुई वस्तु की गति तेज और फिर और तेज होती जाती है। अंत में तेज गति का पत्थर जब जमीन से टकराता है तो वह कुछ काम करता है, जैसे वह किसी अन्य वस्तु को चकनाचूर कर सकता है। वस्तु जमीन से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगी वो उतना ही अधिक दूरी तक गिरेगी और उसकी उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं और ऊर्जा के सभी रूपों को, जिनके बारे में तुम पिछली कक्षाओं में व कक्षा 10वीं के अन्य अध्यायों में पढ़ चुके हो, को इन दो प्रकारों में रखा जा सकता है। सभी वस्तुओं में अंतर्निहित ऊर्जा होती है, किंतु जब तक कुछ ऐसा न हो जिससे उस वस्तु की अंतर्निहित ऊर्जा ऊर्जा के किसी अन्य रूप से रूपांतरित हो, तब तक हम उसकी ऊर्जा के बारे में कुछ कह नहीं पाते हैं। जब कोई पटाखा फूटता है तब उसकी अंतर्निहित रासायनिक ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसी प्रकार ऊर्जा रूपांतरण के अन्य उदाहरण दी गई सारणी में भरें। इसी प्रकार आप ऊर्जा के प्रारंभिक और अंतिम रूप के अन्य कई उदाहरण भी सोच सकते हैं। दी गई सारणी को भरने का प्रयास करें। क्या आपको अंदेशा है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है? यही नहीं, ऊर्जा निरंतर ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित भी होती रहती है। हम जिस भी विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, चाहे वह बैटरी से चले या किसी विद्युत के पॉइंट से चले, वह विद्युत ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ज्यादातर ऊर्जा उपयोगी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, किंतु कुछ ऊर्जा की मात्रा व्यय हो जाती है अथवा उपयोगी नहीं होती। जो भी हो, विद्युत ऊर्जा की पूरी मात्रा का रूपांतरण अवश्य होता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। दी गई सारणी में ऊर्जा रूपांतरण के कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए हैं जिनमें विद्युत उपकरणों द्वारा विद्युत ऊर्जा कुछ उपयोगी और कुछ अनुपयोगी रूपों में बदल जाती है। इस सारणी को और बढ़ाएं। उपयोगी ऊर्जा के इस प्रकार के व्यय से बचा नहीं जा सकता, हाँ इसे कम जरूर किया जा सकता है। आपने टंगस्टन बल्ब के बारे में अध्याय 5 में जाना है। इस प्रकार के बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यह ऊष्मीय ऊर्जा अनुपयोगी ही है। CFLs कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट्स ऊर्जा का व्यय कम होने देते हैं। इनसे भी बेहतर है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। 18.4 ऊर्जा का स्थानांतरण। हमने अध्याय 3 में ऊष्मा और ताप में ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में तो पढ़ा ही है। ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण तीन प्रकार से हो सकता है, संवहन,
चालन और विकिरण। यदि आपको अंदाजा हो कि ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होगी, तो आप ऊष्मीय ऊर्जा के व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं।